मसाला गैंग का मुख्य लीडर था, तलवार मारने वाला था, वो आज भी तलवार लेके घूम रहा है। उसको गिरफ्तार नहीं किया है और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। तो हमारी डिमांड यह है कि तत्काल प्रभाव से वो आदमी गिरफ्तार होने चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हम लोग ये जितने भी हमारा खुद का किराया करके आए हैं, आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि आने वाले समय में अपराध की संख्या नहीं बढ़े, वही में गरीब आदमी नहीं मारा जाए, पैर कट गए हैं उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो आने वाले समय में अगर मुख्य आरोपी भागता फिरेगा तो आरोपियों के हौसले बुलंद होंगे। और आपका एक अध्यय है, आप जब में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपराधियों में विश्वास और आप जब में डर पैदा हो गया। तो जो अध्यय है उसकी सुरक्षा कीजिए, कानून की सुरक्षा कीजिए, और ये जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मूल भावना के अनुरूप आप लोग काम कीजिए। ये हम लोग निवेदन करने के लिए आए हैं, कोई आक्रोश करने के लिए या आपको भला बुरा करने के लिए नहीं आए हैं। दूसरी बात, ये क्या था भाई, एक मामला और देखो, जैसे जैसे मैडम खड़े होते हैं वैसे मामला आता है। सलुम्बर के अंदर स्कूल, चालू स्कूल में, सरकारी स्कूल में, ग्रामीण स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वहां अधिकतम आदिवासी के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, गरीब श्रेणी के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और उनको करण लग चुका है, वो बेहोश हो गए, मरने के कगार पे थे। तो शिक्षा विभाग भी कहां सोया हुआ है, और यहां पे कोई आदमी आया हो, आईडीसीआई भी आई हो, तो मेरी एक सीढ़ी ले जाके ट्राइबल कमिश्नर को जाके बताना, सुनाना, यहां पे कुर्सी आराम करने के लिए नहीं दिए। आदिवासी इलाके में जाके आप लोग चेक करो क्या आपका करोड़ रुपया आ रहा है आदिवासियों के विकास के लिए। कम से कम इस स्कूल में तो लाइट ठीक करो, जहां देश का भविष्य सुधर रहा है, देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है, वो भी आप नहीं कर सकते। हम लोग किसी सरकार के विरोधी नहीं है, किसी मंत्री संतरी के विरोधी नहीं है, किसी अधिकारी के विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि संविधान के अनुरूप, कानून के अनुरूप सबको समानता का अधिकार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबको समानता का अधिकार है। यहाँ जो